हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है और अब यह हमारे इंडिया में भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कई बड़े बड़े स्टेट आ चुके हैं और इसमें लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि देश के लिए एक चिंता का विषय है। हम यह भी जानते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। सभी देशों में इसके ऊपर रिसर्च चालू है और इसकी वैक्सीन कब तैयार होगी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आजकल आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा कि इसके उपचार के लिए एक तकनीक सामने आ रही है, जो है प्लाज्मा थेरेपी। काफ़ी सारे देश में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है और इसके सक्सेस रेट भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, टीकेसी चैनल यानी द नॉलेज केव के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। आज हम यह भी जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। हमें इन सब को जानने से पहले ह्यूमन ब्लड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ह्यूमन ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होते हैं। ये ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स यानी RBC, वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC और ब्लड प्लेटलेट्स का समूह होते हैं। बाकी 55% प्लाज्मा होते हैं, जिसमें 90% पार्ट पानी का होता है, 7% प्रोटीन और 1% सॉल्ट एंड ग्लूकोज होता है। यह तो हुआ ब्लड का स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। यदि किसी व्यक्ति को COVID-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 19 होती है, तो उस व्यक्ति की बॉडी उस वायरस को ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाती है। यह प्रोटीन ही एंटीबॉडी है जो ब्लड के प्लाज्मा में रहता है। अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। अब इस रिकवर हो चुके पेशेंट की बॉडी का प्लाज्मा यदि उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि कोरोना डिजीज से पीड़ित है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ये एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई होकर उस व्यक्ति के अंदर उपस्थित कोरोना के वायरस से लड़ने में हेल्प करती है और इस तरीके से उस व्यक्ति की हालत में सुधार होने लगता है और उसमें वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, वह एक ऐसे व्यक्ति से रोग प्रतिरोधक क्षमता ले रहा है जो ऑलरेडी इससे ठीक हो चुका है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी कोई वैक्सीन तो है नहीं जो इस बीमारी को होने ही ना दे, पर यह एक पावरफुल मेडिसिन के जैसी है जो कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकलती है, तब तक ये थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है और कोरोना पेशेंट को मरने से बचा भी सकती है। अब हम ये समझते हैं कि प्लाज्मा ट्रांसफ़र की प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस एक सिंपल ब्लड डोनेशन जैसी ही है। ब्लड डोनेशन के पहले कम्प्लीटली ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ब्लड को बॉडी से निकाला जाता है। जैसा कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, तो ब्लड से यह प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है और फिर वापस ब्लड को बॉडी में डाल दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में ब्लड वापस डोनर की बॉडी में डाल दिया जाता है, इसलिए डोनर की बॉडी में कोई वीकनेस नहीं आती है और डोनर हर 10 दिन में प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसके बाद डोनर के प्लाज्मा को टेस्ट करके पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। यही प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि डोनर की बॉडी में वापस प्लाज्मा और उस वायरस की एंटीबॉडीज बन पाती है या नहीं। जैसे एक पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई होती है, सेम उसी तरह डोनर की बॉडी की एंटीबॉडीज भी मल्टीप्लाई होती है और वापस से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। इस प्लाज्मा थेरेपी की सक्सेस रेट 100% है या नहीं,
अभी इस बारे में रिसर्च जारी है, पर हाँ सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। सन 1918 में स्पैनिश फ्लू महामारी के वक्त, सन 2003 में सार्स, सन 2009 और 10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा के वक्त और 2010 में मार्स महामारी के वक्त भी प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा चुकी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि प्लाज्मा थेरेपी की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।